हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के आपकी नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि ये साल बाइक लवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार जा रहा है, क्योंकि इस साल आपको नई नई बाइकें लॉन्च होती हुई दिख रही हैं और साथ ही नए नए कोलैब भी दिख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हीरो और हार्ले ने भी कोलैब किया है, और इसी के साथ साथ बजाज और ट्रैम्प ने भी कोलैब करके अपनी नई बाइकें लॉन्च की हैं। तो इसी रेस को आगे बढ़ाते हुए होंडा भी अपनी नई बाइक के साथ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, होंडा भी अपनी नई बाइक होंडा सीवी 350 ब्रिगेड को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं और क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं और इसकी प्राइसिंग और लॉन्च डेट क्या होने वाली है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके इंजन की बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलने वाला है 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि आपको होंडा सीवी 350 हाइनेस में भी देखने को मिलता है। यही सेम इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आपको 21 bhp की पावर देगा और साथ ही 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी देगा। ये बाइक आपको सिंगल चैनल एबीएस और ड्यूल चैनल एबीएस दोनों साथ देखने को मिलेगी। साथ ही इसके कंसोल की बात करें दोस्तों, ये राउंड शेप में होने वाला है, जो कि फुली डिजिटल होने वाला है। इसके अंदर आपको फोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको सारे जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये बाइक आपको 5 गियर पावर ट्रांसमिशन देने को मिलेगी। इसकी लाइटनिंग की बात करें दोस्तों, ये फुली एलईडी होने वाली है, जिसके इसके हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर आपको सारी चीजें एलईडी देखने को मिलेंगी। इस बाइक को काफी ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें इसकी जो सीट हाइट है उसे भी काफी ज्यादा कम किया गया है। इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 765 mm की देखने को मिलेगी, जिससे शॉर्ट राइडर है उनको काफी ज्यादा कम्फर्ट मिलेगा। इस बाइक की सीधी टक्कर रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 से होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हंटर 350 ने काफी ज्यादा बाइकों की सेल डाउन करी है, तो देखने में मजा आएगा कि दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा सेल करेगी। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट की। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका कॉम्बिनेशन जो है अंडर 350 से होने वाला है, तो इसका प्राइस भी इसके आसपास ही होगा। इसका जो एक्सशोरूम प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 2 लाख से 2 लाख 20 हज़ार के आसपास। वहीं इस बाइक की लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों, होंडा ने खुद कंफर्म किया है कि ये बाइक आपको इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। मतलब ये बाइक आपको नवंबर से दिसंबर के बीच इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो आपको ये बाइक कैसे ले कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।